हेलो एवरीवन, जय राम जी की। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ये ब्यूटीफुल सा वॉल डेकोर, जिसके लिए कुछ चीज़ें हैं मेरे पास। आप देख सकते हैं कुछ बीड्स हैं, मिरर हैं, कार्डबोर्ड के पीसेस हैं, कुछ कलर्स हैं। तो इन सब से मिलकर बनाने वाले हैं हम एक ब्यूटीफुल सा वॉल डेकोर। तो चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। वेलकम टू माई चैनल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हैं मेरे पास। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैंने दो कार्डबोर्ड के पीसेज लिए हुए हैं, जो कि मैंने एक कार्टून से निकाल लिए हैं। और इसका मेज़रमेंट कुछ इस तरीके से है, 12.5 का है। आप किसी भी मेज़रमेंट में से बना सकते हैं। आप चाहें तो इससे बड़ा भी रख सकते हैं, छोटा भी रख सकते हैं। मैंने ये वाला मेजरमेंट यहाँ पर लिया हुआ है। और ये वॉल डेकोर बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था और बहुत ही लो बजट में बनकर रेडी हुआ है। और ऐसे मैं दो रेडी कर रही हूँ। कुछ यहाँ पर मोतियों का भी इस्तेमाल करूँगी। कुछ चीज़ें जो मेरे पास रखी हुई थी, सारा कुछ आपको बताऊँगी इसमें क्या क्या चीज़ें मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो चलिए हम इन्हें क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम इन कार्डबोर्ड के पीसेस को साइड में कर देते हैं, क्योंकि जो छोटे छोटे से पार्ट मैं इनमें सेट करने वाली हूँ उन्हें मैंने कैसे बनाया है मैं आपको वो बताती हूँ। डिज़ाइन के लिए ना यहाँ पर मेरे पास इस तरीके का एक कार्टून का बॉक्स पड़ा हुआ था, बॉक्स नहीं शीट पड़ी हुई थी। इसमें मेरा पार्सल आया हुआ था, तो मुझे इसी तरह का चाहिए था शीट, तो मैंने इसे संभाल कर रखा था। अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो ना, तो आप कार्डबोर्ड के ऊपर वाले पीस को जब रिमूव करेंगे ना, तो ये लाइन वाला जो निकल कर आ जाता है, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। इस तरीके से आप ऊपर वाला पार्ट निकालेंगे तो ये बड़ी ही आसानी से निकल कर आ जाएगा। मेरे पास रखा हुआ था तो मैं उसे यूज़ कर रही हूँ। अब बस सिंपली हमें क्या करना है, इसे एक किसी भी शेप में काट लीजिए, लेंथ में हो या किसी भी शेप में काट लीजिए, और स्केल रखना है। जितना स्केल का मेजरमेंट है ना, उसी हिसाब से हमें इसे ड्रॉ करना है और कटर की हेल्प से कट करना है। आप चाहें ना तो स्केच पेन या मार्कर किसी की भी हेल्प से कोई भी एक मेजरमेंट ले लें, निशान बना लें और छोटे छोटे पीसेस फिर कट करें, क्योंकि पीसेस इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक छोटा है एक बड़ा है, आपको सेम मेजरमेंट से ही इन्हें कट करना है। तो ऐसे ही ना मैंने ढेर सारे पीसेस जो हैं आप देख सकते हैं कट कर रख लिए थे। उसके बाद हमने फेविकॉल का यूज़ करना है यहाँ पे। तो इन पीसेस को ना लगाने का तरीका ही मेन है। आप देख लें मैंने कैसे सेट कर रही हूँ। कुछ को मैं वर्टिकल लाइंस में सेट कर रही हूँ, कुछ को मैं हॉरिजेंटल लाइंस में सेट कर रही हूँ। अभी मैं आपको सेट करके दिखाऊंगी, तभी आपको समझ में आएगा पैटर्न। ये देखिए कुछ लाइंस जो हैं वर्टिकल में दिखेंगी आपको, कुछ हॉरिजेंटल में। तो जब आप इस तरीके से क्रिएट करेंगे ना, तो बहुत ही सुपर डिज़ाइन बनकर हमारा रेडी होगा। ये देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके से लाइन है, कुछ इस तरीके से लाइन है। ये देखिए, ये हमारी वर्टिकल, ये हॉरिजेंटल, फिर वर्टिकल, फिर हॉरिजेंटल। तो इस तरीके का पैटर्न जो है मैंने यहाँ पर बनाया है, जो कि देखने में बड़ा ही प्यारा लग रहा है। आप लोग भी बताइएगा कि ये कैसा क्रिएट हुआ है। इसके बाद हमें यहाँ पर यूज़ करना है वाइट कलर को। वाइट एक्रेलिक कलर का मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ एज अ प्राइमर के लिए। आप चाहें तो जैसो भी लगा सकते हैं। और मैं आपको बता रही हूँ, ये वॉल डेकोर मुश्किल से 100 रुपीज़ में भी नहीं बना होगा, इससे भी कम में ही बना होगा। क्योंकि एक पूरा जो कलर का जो ये मेरे पास शीशी रखा हुआ है ना, बॉक्स रखा हुआ है, पूरा नहीं लग गया था। बहुत ही थोड़ा वाटर ऐड करेंगे ना, बहुत थोड़े में आपका काम हो जाएगा। और एक बार कलर से आप बहुत सारी चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें वेडिंग के टाइम पर जब आप बाज़ार से परचेस करने जाएंगे तो बहुत ही महंगी मिलती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह के वॉल डेकोरेशन को अपने घर की मैरिज में ही यूज़ करें, आप अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। घर की भी किसी वॉल को इस तरह की चीज़ें बनाकर जो है डेकोरेट कर सकते हैं, लगा सकते हैं घर पर, बहुत ही सुंदर लगता है। तो अब मैं यहाँ पर ना येलो कलर से फिलिंग कर रही हूँ, मतलब जितना भी वाइट से पूरा हमने कवर कर दिया था। और अब जो इसके अंदर के भाग है ना, आप देख सकते हैं जितना भी ये सब पार्ट है ना, इसको हमें येलो से करना है। बस जो हमने डिज़ाइन बनाए हुए हैं ना ऊपर, छोटे छोटे पीसेस जो कट करके लगाए हैं, अभी हमें उनमें कोई भी कलर नहीं करना है। उसके साइड से लेफ्ट राइट सारा कुछ कलर करना है, बस अभी उसमें नहीं करना है, उसे हमें वाइट ही रहने देना है। देन उसके बाद हम उसे कलरफुल करेंगे। तो इसी तरीके से ना मैंने ये सारा रेडी कर लिया है, आप देख लीजिए।
बहुत ही इजीली बनकर रेडी हो गया है। अब ये जितने भी वाइट है ना, इनमें सब आप अपने मर्जी से कलर कर दीजिए, जो जो आपको करना हो। मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे कलरफुल बनाया है, मैंने ब्लू रखा, फिर रेड, ग्रीन, पिंक, ऑरेंज, ब्लू, दैट हॉट पिंक। तो फिर मैंने इसको ना बस एक बार ऐसा पैटर्न रखा हुआ है, फिर उसी का अपोजिट पैटर्न फॉलो कर दिया है। आप चाहें तो मेरा वीडियो पॉज करके सेम एज इट इज़ ऐसा ही पैटर्न बना सकते हैं, मीन्स इसी तरह के कलर फिल कर सकते हैं। और ये दोनों हमारे रेडी हो गए हैं। अब बारी आती है हमारी थोड़ी सी और क्रिएटिविटी की। तो सबसे पहले तो मैं इसमें कुछ मिरर ऐड करूँगी। मैं एक्चुअली ना आपको बताऊँ, मैं पहले टसल्स बनाने वाली थी, पर मेरे पास ये रखे हुए थे कुछ ब्लाउज़ वगैरह में जो लगते हैं वो वाले, तो फिर मैंने वही यूज़ कर लिए, मैंने नहीं बनाए हैं। और छोटे छोटे से ऐसे क्रिस्टल वाले स्टिकर रखे हुए थे, तो ये सब भी मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक बड़ा एक छोटा ऐसे मिरर लगाया हुआ है यहाँ पर, और इससे इसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ गई है मिरर के ऐड ऑन होने से, और ये देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही ईजी है ये वॉल डेकोर। बस इसके बाद अब यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, और जो हमारे क्रिस्टल थे उन्हें इसके साइड साइड में मैंने इस तरह से, ये देखिए छोटे छोटे से डॉट ऐसे रख दिए हैं, और ये पूरा हमारा कंप्लीट है। अब बस हमें यहाँ पर नीचे वाली जो भी हैं बीट्स वगैरह बनानी है, लटकन बनानी है। तो उसके लिए मैं मेरे जो ब्लाउज़ के लटकन रखे हुए थे उन्हें यूज़ कर रही हूँ। उसमें मैंने धागा को डाला है और यहाँ पर मोतियों का यूज़ कर रही हूँ। आपके घर में ना जो भी पुरानी माला हो या कुछ भी हो, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें आप बाज़ार से ही परचेस करके लाएँ और इजी वॉल डेकोर को बहुत ही महंगे वाले वॉल डेकोर में बदल दें, तो ऐसा बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आप ग्रीन कलर का ये देख रहे हैं ना पाइप, ये मेरी एक माला टूट गई थी प्लास्टिक की, मंदिर में जो मैंने लगाई थी उससे निकला था ये पाइप। तो ये सारी चीज़ें रखी हुई थी, तो मैंने उससे ही, ये देखिए कितनी प्यारी लटकन बन गई है और उस पाइप का कितना शानदार यूज़ हो गया है। तो इस तरह से ना मैंने ढेर सारी लटकन यहाँ पर क्रिएट कर ली हैं कलरफुल, और जो भी कलर अवेलेबल थे मैंने उनसे ही बना लिया है। ऐसा नहीं है कि मैंने पूरा मैचिंग बनाया है, और ये मेहरून और ब्लू में अवेलेबल था तो ये मैच हो गया है। ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ जुगाड़ लगाया गया है, परफेक्ट मैच हो रहा है, आप देख सकते हैं इस वॉल डेकोर का। और इस तरह ये वाला वॉल डेकोर ना मैंने होली के डेकोरेशन में लगाया था, आगे जाकर मैं इन्हें घर की वेडिंग में भी यूज़ कर सकती हूँ, अपने घर पर भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो हम इन्हें एक बार बनाकर अलग अलग फेस्टिवल में अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो कैसा लगा आज का आइडिया आपको, कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें। जय राम जी की। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लव एंड सपोर्ट।